यदि चेतन्ये मुकुरिव भावाश्चिदचित् समं वान्ति द्रव्यजनिलसन्तरहिता जगसाक्षी मार्ग प्रकटन परो मानरिवयो महा वीरग स्वामी नयनपथगामि भवतु मे महा वीरः स्वामी नयन पथ गामी भव में वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय 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 स्वाद सांग जिनवाणी माता की जय 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 नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय 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 आचार्य भगवंत गुरुवश सागर जी महा मुनिराज की जय 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 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 परम पूजी आश्रम श्री विराट सागर जी महाराज की जय 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 जी त्रिभुवन में जीव अन सुख चाहे दुख ते भयवन ताते दुख हारी सुख गुरु करुणाधार इस त्रिभुवन में जितने भी प्राणी हैं जितने भी जीव हैं वो सभी सुख की आकांक्षा करते हैं वो दुख से डरते हैं या भय खाते हैं हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में सुख ही सुख रहे हम जैसा चाहते हैं अगर वैसा पुरुषार्थ करें तो हमें उस चीज़ की उपलब्धि होगी सुख तो चाहते हैं और काम करते हैं दुख पाने का तो सुख कहाँ से मिलेगा सुख पाना बहुत आसान है बशर्ते अपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति को हम नियंत्रित करें तो हमारे चारों तरफ सुख ही सुख होगा सुख की वांछा करना मानव जाति का स्वभाव है एक इंद्र से लेके संगी पंचिंद का जीव सुख की कामना करता है वो प्रयास भी करता है परंतु अगर भाग्य साथ ना दे तो क्या इंसान सुख पा सकता है कभी नहीं कहते हैं एक बार सिकंदर भारत से लौटने को था तो उसकी माँ ने उससे कहा था कि तू तो भारत जा रहा है माँ के संत बड़े बिरले होते हैं तो अपने साथ किस संत को लेते आना वो तो अपनी माँ को बहुत चाहता था उसने अपने सेनापति से कहा कि भारत से लौटने का समय हो चुका है जाओ किसी संत की तलाश करो जो हमारे साथ यूनान चल सके सेनापति गया उसने तलाश की तो पता चला नदी किनारे एक अलमस्त फकीर रहता है जो अपने आप को सम्राट कहता है वो उस ईश्वर को मानता है वो किसी को नहीं मानता सेनापति उसके पास पहुंचा, उसने कहा सम्राट सिकंदर ने तुम्हें याद किया है तो संत मुस्कुरा है बोले तो सम्राट ने याद किया है कि सम्राट तो मैं खुद हूं मुझसे बड़ा कौन सम्राट मैं तो आकिंचन हूँ मेरे पास कुछ नहीं है मेरे से बड़ा सम्राट कौन होगा मैं प्रभु की आज्ञा मानता हूँ किसी सम्राट की आज्ञा नहीं मानता सेनापति ने डराया धमकाया कि तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो कि सब जानता हूँ मैं सम्राट हूँ और मेरा प्रभु हो तीसरा कोई बीच में नहीं है जाओ चले जाओ जब संत नहीं गए तो सिकंदर को खुद चल के आना पड़ा ठंडी का समय था वो अलमस फकीर नदी किनारे धूप का सेवन कर रहे थे उनकी आँखें बंद थी आराम से लेटे हुए थे सिकंदर उनके सामने आके खड़ा हो गया तो धूप आने में थोड़ी बाधा उत्पन्न हुई तो संत ने आंख बंद करे करे कहा इशारे से ज़रा हटिये धूप आने दीजिए जरा हटिये धूप आने दीजिए सिकंदर ने कहा तुम किससे बात करे तो है बोले पता लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है मैं एक चीज़ का पता लगाने निकला हूँ मेरी आत्मा का बस वो पर्याप्त है आपकी आवश्यकता नहीं जरा हटिये सिकंदर ने अपनी तलवार संत के गले पर लगा दी संत तो अंत्यारियों में होते ही हैं सिकंदर इस गर्दन को तू काटना चाहता है अपनी तलवार तूने मेरी गर्दन पे लगाई है यह गर्दन तो उसी दिन कट गई थी जब प्रभु के सामने शीश झुकाया था अब उन्हीं की गर्दन बची मेरी तो बची नहीं है काट दे इस गर्दन को मैं भी गिरता हुआ देखूंगा और तू भी गिरता हुआ देखेगा दोनों देखेंगे सिकंदर ने सोचा बड़ा अद्भुत संत है ये तलवार से भी डरता है तब संत ने आंख खोली पूछा भारत क्यों हो भारत की यात्रा क्यों करने हो ले रहा भारत को जीतने के लिए भारत को जीतने के लिए इसके बाद कौन सी योजना है बोले भारत को जीतने के बाद जो महाद्वीप बचेंगे उनको जीतूँगा फिर पूछा उसके बाद कौन सी योजना है उसके बाद और महाद्वीप जीतूँगा उसके बाद फिर अपने देश यूनान लौट जाऊंगा उसके बाद फिर सुख से रहूंगा उसके बाद सुख से रहूँगा संत को बड़े ज़ोर से हंसी आई कि सिकंदर तू पहले भरत को जीतेगा फिर वो दूसरे महाद्वीप को जीतेगा फिर कोई सा महाद्वीप जीतेगा फिर अपने देश जाएगा और सुख से रहेगा उसे बड़ी जोर से हंसी आई संत को बोले भैया तेरे सुख में अभी कौन सी कमी है अभी लौट जा अभी भारत से लौट जा तेरे सुख में कौन सी कमी है सिकंदर को प्रतिबोध प्राप्त हो तो बात तो इससे कही कहता है संती है पर सिकंदर है तुम्हें मेरे साथ यूनान चलना होगा मैं अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा चलना पड़ेगा सिकंदर की आज्ञा है संत ने कहा संत सिर्फ परमात्मा की आज्ञा मानते हैं किसी सिकंदर की नहीं सिकंदर हार गया जब हार के लौटने लगा तो सम्राट ने संत ने कहा सिकंदर क्यों भूल करता है जिस भौतिक सुख के पीछे तू भाग रहा है क्या तुझे पता है तेरी सांसें कितनी बची है सिकंदर फिर चौंका कि तुम्हें मेरे सांसों का क्या हिसाब पता है कि धन संपत्ति को लूटने या लूट कर तो अपने देश ले जाना चाहता है क्या उस सुख का तू भूख कर पाएगा तुझे पता है वो सच में वही घटना घटी सिकंदर विश्व विजेता बनने की तलाश में आया था और तलवार लिए घूमता था वो कहता था मैं तलवार के बल पे संसार का सुख उपलब्ध कर लूँगा क्या कभी ऐसा हुआ है किसी प्राणी ने हिंसा करके संसार का सुख पाया हो जो हिंसा करता हो उसे सुख मिलेगा कहीं तो आप लोगों ने कभी पढ़ा है या कभी देखा है यही बोल सिकंदर ने की थी वो अपने बल पर दुनिया को झुकाना चाहता था पर हुआ क्या पूरे विश्व को जीतने की कामना करके निकला सिकंदर 35 साल की उम्र में भारत की भूमि पर धराशायी हो गया सुख की तलाश में निकला इंसान भारत की भूमि पर धराशायी हो गया क्या पा पाया उसने तलवार के बल पर विश्व को जीतना चाहता था हुआ क्या जान भी गई और सुख तो मिला ही नहीं न अपने देश लौट पाया इसी धरा पर उसके प्राणों का अंत हो गया सबको सुख की तलाश है वो सुख सब चाहते हैं पर जैसा पुरुषार्थ हम करेंगे वैसा हमारे जीवन में घटित होता है हम सुख के लिए पुरुषार्थ करें तो सुख अवश्य मिलेगा और दुख के लिए पुरुषार्थ करें तो दुख तो मिलता ही रहता है एक होता है भौतिक सुख और एक होता है आध्यात्मिक सुख भौतिक सुख की प्राप्ति तो इंसान संसाधनों से और पदार्थ के बीच में जाकर उसकी पूर्ति करना चाहता है और आध्यात्मिक सुख अपने आप में उसके लिए लौटना पड़ता है आचार्य पुजपा स्वामी ने स्टोप देश में एक श्लोक कहा पर सुखमे वात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस तन निमित्तम कृतोद्दमाह पर परस्तो दुखम पर पर है अन्य अन्य है वह दुख ही है मात्मे आत्मा आत्मा ही अपनी आत्मा है तथा सुखम वो सुख है तन निमित्तम अतएव महात्मानस इसीलिए महान पुरुषों ने तन उस आत्मा की प्राप्ति के लिए ही महा उद्यम किया है जो अपने आत्मा के पुरुषार्थ के लिए आत्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है सुख की प्राप्ति तो उसे ही होती है पर क्या सब लोग ये पुरुषार्थ करने की शक्ति अपना अंदर रखते हैं विचार रहता है भावनाएं रहती है पर कभी फलीभूत नहीं हो पाती है कुछ समय की बलिहारी है कुछ परिस्थितियां हैं इंसान चाहता तो है कि परम सुख की प्राप्ति कर लूँ पर क्या भौतिक जगत में रहते हुए इंसान सुख की प्राप्ति कभी कर सकता है उसे भौतिक जगत से आगे बढ़ना पड़ेगा जहाँ सुख ही सुख है से अध्यात्म कहते हैं आत्मिक सुख कहते हैं हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे किसी एक स्थान पर खड़े करके सारे वस्तु की उपलब्धि किसी इंसान को कभी हुई है तीर्थंकर हुए मनीषी हुए वो भी तो आगे बढ़े उन्हें सुख की कामना थी उनके पास पहले कौन सी सुख की कमी थी पर कामना थी ये भौतिक सुख है सांसारिक सुख है इसे त्याग कर शाश्वत सुख की कामना करना है इसलिए आगे बढ़े जीवन में अध्यात्म का पथ अपनाया और उसको पाया भी पर सुख इंसान पहले भौतिक वस्तुओं में ही ढूंढता है उसे पता है कि मेरी मर्यादा और मेरी क्षमता इतनी ही है चलो यहीं से शुरू करते हैं शास्त्रकारों ने भौतिक सुख को सात हिस्सों में बाँटा है और कहा है पहला सुख निरोगी काया दूजा सुख घर में हो माया तीजा सुख कुलवंती नारी चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी पांचवा सुख यश बढ़ जावे छठा सुख राजा की कृपा रहे आवे और सातवा सुख भय न सतावे एक से लेकर सात सुख के बुच में भौतिक जगत में जीने वाले प्राणियों की जी विशा चलती है पहला सुख स्वस्थ रहना निरोगी काया; दूसरा सुख लक्ष्मी तीसरा सुख कुलवंती नारी चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी पांचवा सुख यश की प्राप्ति छठा सुख राजा की कृपा और सातवा सुख भय रहितता। सात सुख माने क्या यही सुख है पर भौतिक जगत में इन्हीं को सुख कहा जाता है और इंसान इसी के आधार पर जीता है पहला सुख कहा गया निरोगी काया बात बिल्कुल सच है सब कुछ है सब कुछ है चारों तरफ संपत्ति का अंबार है परिजन है स्वजन है सब कुछ है पर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं हो तो क्या जीवन का आनंद ले पाएंगे भूख बड़ी जोरों की लगी है और सामने रसगुल्ला रखा हुआ है और डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना किया है सब कुछ है पर स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या सुख ले पाओगे पहला सुख निरोगी काया सच कहा है संतों ने कि शरीर स्वस्थ हो तभी कुछ प्राप्त हो सकेगा सब लोग सुनते हैं और पढ़ते भी हैं कि शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए हम योगी लोग भी हम आत्मा के लिए निकले हैं पर शरीर को साध के चलते हैं पता है अगर शरीर बिगड़ गया तो साधना नहीं कर पाएंगे महाराज आप तो आत्मा भिन्न और देह भिन्न की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं आप शरीर को साध के चलते हैं भैया आत्मा तक पहुंचने की गाड़ी तो शरीर ही है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम धर्म की साधना जब भी होगी इस शरीर के माध्यम से ही होगी इसके बिना कोई साधना नहीं कर सकता आज पंचम काल में कहते हैं मोक्ष का रास्ता बंद है अरे मोक्ष का रास्ता तो बंद कभी हो ही नहीं सकता ये शरीर का रास्ता बंद है तीर्थंकरों का जो सहनन होता था वो वज्र वृषभ नाराज सहनन हुआ करता था अब वो सहनन ही नहीं इतनी तपस्या शरीर से होती नहीं है बात के हीन ही सहन मिले हैं इतना ही पुण्य है मोक्ष रास्ता कैसे बंद होगा जब किसी साधक की भावना है तो भावना बलवती होती है मोक्ष मिलता है पर माध्यम क्या है निरोगी काया या सहन आज वो है ही नहीं है। भावना अवश्य जीवित है पर आज सहनन नहीं है एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बिरबल ये बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख कौन सा होता है तो बिरबल ने बड़ा सोच के विचार दिया कि हुजूर सबसे बड़ा सुख तो कहने की बात ही नहीं है स्वस्थ शरीर या निरोगी काया इसके अलावा कौन सा सुख होगा तो अकबर बोला बिरबल तेरी बात सुनने में तो अच्छी लगती है पर बात को जमी नहीं बात जमा के बता तो तेरी बात मानूँ बिरबल ने बहुत तरीके से समझाया पर अकबर था कि मानने को तैयार नहीं कि पहला सुख निरोहिक आया कि हुजूर कोई बात नहीं है बात आई गई होगी एक दिन की बात कि दोनों मंत्री और राजा भोजन करने बैठे बीरबल तो था ही चतुर वो तो अवसर की ताक में रहता था कि अवसर मिले और अकबर को शिक्षा दी जाए भोजन करने बैठे तो उसने रसोई से इशारे से कहा कि जरा भोजन में पाचन चूर्ण ज़्यादा मात्रा में डाल देना ताकि राजा का भोजन जरा जल्दी पच जाए भोजन करने बैठे बड़े चाव से अकबर ने भोजन करा भोजन की समाप्ति हुई तो बाहर देखा कि मौसम बड़ा सुहाना है तो बिरबला बोला हुजूर आज थोड़ा नौका विहार करते हैं मैं नौका चलाऊंगा अब आनंद लेना मौसम का कि चलो चलते हैं नौका विहार करने यमुना जी किनारे पहुँचे वो नाविक को बुलाए नाविक उस नाव से ली कि तुम रहे ठहरो कहा मैं नाव चलाऊंगा अकबर उसमें बैठ गए अब नाव चली थोड़ी देर पहुंचे तो अकबर को सोच की बाधा हुई कि पाचक छूड़ मात्रा में खाया था अच्छी मात्रा में तो अकबर बोला बीरबल जरा नाव को किनारे पे लो अब बीरबल तो अपनी मस्ती में था उसे सिद्ध करना था कैसे सिद्ध करना है नाव जरा किनारे पे लो बीरबल ने अकबर को बातों में लगाया हुजूर उस राज्य में ऐसा हो गया उस राज्य में ऐसा हुआ वहाँ से इतना लगाना आया वहाँ से इतना रेवेन्यू आया बात चलती रही जब दस मिनट बहुत अकबर ने फिर कहा बीरबल नाव किनारे पे लो बीरबल है ही चतुर फिर बातों में लगाया फिर दस मिनट निकाल दिए अब तो बीरबल की स्थिति आप लोग समझ सकते स्थिति कैसे खराब होती है अब तो अकबर की स्थिति बड़ी खराब हो गई कि बीरबल तलवार निकाली लगा दी गर्दन पे उसके कि जल्दी किनारे पे ले मैं तेरी गर्दन काट दूंगा बीरबल ने नाव तेज से लाई और नाव किनारे पे लगाया अकबर कुदा और भगा एकांत की तरफ थोड़ी देर की शांति हो गई कुछ समय बीता अकबर लौट के आया लंबी लंबी गहरी गहरी सांस ले रहा था जैसे आया वो बोलता है बीरबल से बीरबल ये कौन सी हरकत तुम्हारी मैं मना करा तुम तो मानते नहीं हो कि हुजूर मैंने जो किया आपके लिए किया बोले मैंने क्या किया बोले आपके प्रश्न का उत्तर दिया है मैंने आपको बोले यह कौन सा प्रश्न का उत्तर होता है कि आपने कुछ दिन पहले मुझसे पूछा था कि बिरबल बता दुनिया में सबसे बड़ा सुख कौन सा है तो हुजूर मैंने आपसे कहा था पहला सुख निरोगी काया अकबर बोला वाकई बिरबल पहला सुख निरोगी काया हम सब चाहते कि काया निरोगी रहे पर क्या उद्यम करते हैं हमारे जो जीव जीने की जीवन शैली है क्या वो ऐसी है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे हम खाना तो जानते हैं आप लोग टीवी देखते देखते मोबाइल भी देखते हैं हर जगह दिखाया था ये खाइए ये खाइए ये खाइए ये खाइए ये खाइए यही खा 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 कहा जाता है ना कि खाते जाइए खाते जाइए खा खा के स्वास्थ्य ठीक कीजिए हंसी नहीं आती सुन के इस बात को कि खा खा के स्वास्थ्य ठीक कीजिए कभी कोई एड या कभी कोई चैनल देखा है जिसमें यह कहा गया हो ये खा के ऐसे पचाइए इस खा को ऐसे पचाइए पचाने के बारे में बताया जाता है आप सुखी रहना चाहते हैं कि काया हमारी निरोगी रहे खा के कभी कोई सुखी हुआ है खा के नहीं जो खाया है उसको पचा के इंसान जरूर सुखी हो सकता है ये तो सह स्वभाव है खाना तो पर पचाना भी तो सीखें जो काया हमें मिली है वो स्वस्थ अगर रहे तो हम जीवन के सारे सुखों का आनंद ले सकते हैं एक बाबा रामदेव का आर्टिकल मैंने पढ़ा था वो कहता है कि प्रकृति ने ये जो शरीर बनाया है ये 400 वर्षों के लिए बनाया है कितने वर्षों के लिए 400 वर्षों के लिए हालांकि वो योग गुरु हैं वो फिट हैं इस काम में निष्णान्त हैं तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 400 वर्षों के लिए शरीर बना है क्या 400 वर्षों तक कोई जी सकता है ये तो एक योग गुरु की बात है 400 वर्ष छोड़िए क्या आप साठ साल पैंसठ साल सत्तर साल पचहत्तर साल क्या स्वस्थ होकर के जीते हैं उनके अनुसार ये शरीर मिला है 400 वर्षों के लिए तो 400 वर्षों का चौथा हिस्सा भी हम स्वस्थ होकर जी पाते हैं क्यों नहीं जी पाते हमारी जीवन शैली ही ऐसी है इसमार समय पे सोएगा समय पे उठेगा और जब भूख लगेगी तब खाएगा जब जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करेगा तो क्या कभी मार पड़ेगा ना मन स्वस्थ है ना वचन स्वस्थ है ना काय स्वस्थ है फिर भी इंसान जिए जा रहा है क्या ये जीवन शैली है वो कामना क्या है हमें सुख की प्राप्ति होना चाहिए हमें सुख की प्राप्ति होना चाहिए सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ भी तो करना होगा बिना उसकी पुरुषार्थ करे सुख मिलेगा कभी किसी को कहते हैं अतीत की घटना बड़ी सुंदर घटना है बुद्ध का एक शिष्य भिक्षु उपत उप उपगुप्त उप, मथुरा के रास्ते से निकल रहा था राजमार्ग था उसी रास्ते में एक महल बना हुआ था जो वहाँ की असाधारण सुंदरी वहाँ की नर्तक का महल था वो नर्तकी बड़ी मशहूर थी और बड़े सुंदर थी उपगुप्त का उसके सामने महल के सामने से निकलना हुआ वो जैसे नर्तकी ने भिक्षु को निकलते हुए देखा तो उसके रूप सुंदर पर उसकी युवा अवस्था पर मुग्ध हो गई और देखती ही रह गई भागे अपने महल से नीचे सीढ़ी से उतरकर उस तक पहुंचने के लिए और पहुंची और आवाज़ लगाई भनते जरा रुकिए भिक्षु ने स्त्री की आवाज़ सुनी तो वो रुक गया उसके चरणों में बैठ गई कि चलिए मेरे महल में चलिए मेरी सारी संपत्ति आज से आपकी है और मैं भी आपकी हूँ मैं आपके चरणों की सेवा करके अपना जीवन बिताऊंगी चलिए मेरे महल में चलिए जैसे भिक्षु ने ऐसी अप्रत्याशित बात सुनी वो तो भिक्षा की तलाश में निकला था कोई ऐसी बात किसी को बोले तो एक समय तो किसी को शौक लगता ही है भिक्षु भी स्तंभित रह गए कि स्त्री क्या बोले जा रही है उन्होंने कहा अभी तो मैं भिक्षा की तलाश में निकला हूँ भिक्षाम दे ही मुझे भिक्षा दे दो उसने कहा मैं तुम्हें सारा महल दे रही हूँ अपना जीवन समर्पित कर रही हूँ उसके तुम भिक्षा मानते हो तुम मेरे साथ चलो भिक्षु थोड़े बात सुनकर आगे बढ़ गए नर्तकी फिर दौड़ी कि रुको तुम गलती कर रहे हो तुम शायद मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ मैं वासव दत्ता हूँ बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट मेरे कटाक्ष के लिए दीवाने घूमते हैं मुझ पर धन लुटाते हैं कि एक नज़र उन्हें मैं देख ली पर मैं तुमसे कह रही हूँ कि भिक्षु मेरे महल में चलो भिक्षु एक तक उसे देखता रहा वो मंद मुस्कान के साथ बोला देवी तुम लौट जाओ जब समय आएगा तब तो मैं आऊंगा तुम्हारे पास वो फिर भी नहीं मानी कि भिक्षु तुम गलती कर रहे हो तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होने वाली है और तुम ठुकरा रहे हो तब भिक्षु ने गंभीर शब्दों में कहा वासव दत्ता तू शरीर के आधार पर जीना चाहती है ये काया जिस पर तुझे इतना अभिमान है क्या यह शाश्वत हमेशा ऐसी रहेगी पता नहीं कल तेरे साथ क्या हो तो अपने रूप का अपने यौवन का घमंड करती है मैं आत्मारती हूँ और तू काया पे जीने वाली है जा लौट जा अपने महल में तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं तूने मुझसे कहा है मुझसे प्रार्थना कि मेरे महल में चलो मैं वचन देता हूँ जब समय आएगा तो मैं लौट कर अवश्य आऊँगा तो प्रतीक्षा कर योगी आगे बढ़ जाता है और वास्तव दत्ता वहीं खड़ी खड़ी आंसू बहाती रहती है ऐसा नहीं कि लोग जो गलत काम करते हैं उनके मन में अच्छी बातें नहीं होती उस समय वास्तव दत्ता का प्रेम निश्चल था क्योंकि लोग तो उसके तन के पुजारी थे पहली बार उसके मन में प्रेम जागा था एक योगी को देख के कि योगी तेरे चरणों की सेवा करूंगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा पर उसका पेशा गलत था वो नर्तकी थी एक बार संसार में या समाज में कोई गलत काम कर लेता है तो समाज के लोग या संसार के लोग तो लेबल लेके घूमते ही हैं कि गलत काम किया और हमने लेबल चिपकाया कौन कितना पापी है और कौन कितना पुण्यात्मा है सबकी अंतर आत्मा जानती है आदमी कभी अपना अध्ययन तो नहीं करता और दूसरों पर लेबल चिपकाने के लिए हाथ में डंडा तलवार या शब्द लेके घूमता ही रहता है अपने अंदर का अगर अध्ययन करेंगे कि हम कितने पुण्यात्मा हैं और कितने पापी हैं तो क्या हम कभी गलती करेंगे कभी किसी कुछ बोलेंगे हमारे मुख से शब्द कभी निकलेंगे ही नहीं अब शब्द कभी निकलेंगे ही नहीं जो अपनी आत्मा को देखता है जो परमात्मा को देखता है दूसरे के जीवन को क्या देखेगा पर यह तो उन लोगों का काम है जो बाहर से भी खाली और अंदर से भी खाली उपतुग आग, भिक्षु आगे बढ़ गया और नर्तकी वहीं खड़ी रही पर कहते हैं समय किसी का एक जैसा कभी नहीं होता वर्ष बीतते चले गए वो नर्तकी जिस काया पर अभिमान करती थी वो काया रोग से ग्रसित हो गई उसके शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न हो गया कि पूरे शरीर में घाव हो गए उस पर कीड़े बिल बनाने लगे मक्खी भिनभिनाने लगी उसका महल छूट गया संपत्ति छूट गई जो दुनिया उसके शरीर पर दीवानी थी उसकी एक नज़र करने पर राजा महाराजा लाखों मुद्राएँ उस पर लुटा देते थे उसी समाज ने उस सड़े गले शरीर को उठाकर नगर के बाहर चौराहे पर डाल दिया मात्र सुंदर शरीर गठरी बनकर रह गया उसमें से इतनी दुर्गंध आती थी कि तिरियंश भी उसके पास जाना पसंद नहीं करते थे समय ने अपनी यात्रा की और जो होना था सो हुआ एक दिन एक भिक्षु उस वासवदत्ता के सामने से निकला उसने देखा देखा कि शरीर की पीड़ा से कोई कराह रहा है वो भिक्षु वहीं रुक गया देखा इसके शरीर में तो घाव ही घाव हैं सातों धातुओं बह रही है शरीर में से इसकी सेवा करना चाहिए भिक्षु ने अपने कमंडल में से पानी निकाला और एक कपड़े के खंड से उसके शरीर को पूछा जैसे उसके शरीर को स्पर्श हुआ उसकी चेतना लौटी उसने पूछा तुम कौन हो तुम कौन हो उसने कहा वास्तवदत्ता मैं भिक्षु उप्त गुप्त हूँ मैंने तुमसे कहा था मैं आऊँगा जब समय आएगा उसके आँख से आंसू की धारा भी निकली कि भिक्षु तुम अब आए हो भिक्षु तुम अब लौट के आए हो जब मेरे पास तुम्हें तुम्हें देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है मेरा तन भी चले गया और मेरा धन भी चले गया अब तुम क्यों आए हो इस काया पर लोग न्यौछाड़ थे अब इस काया की स्थिति तुमने देखी है अब तो तीरेंज भी इसके पास आना पसंद नहीं करते इंसान तो बहुत दूर की बात है तुम जाओ तुम क्यों कष्ट पाते हो तुम्हारे नाक के सड़ान से तकलीफ पा रही होगी जाओ भिक्षु तुम चले जाओ मुझे तो ऐसे एकाकी मरना है भिक्षु ने कहा वासव दत्ता मैंने तुमसे कहा था इस काया का अभिमान अपने जीवन में कभी मत करना ये काया ये शरीर तो सड़ने और गलने के लिए ही प्राप्त हुआ है आप लोग सोचते हैं आप जीवन जी रहे हैं आप जीवन जी रहे हैं इंसान जब जन्मता है वो मरण तक मात्र मरण ही करता है जीवन के प्रथम समय से लेकर मरण तक की अंतिम अवस्था क्या है जीवन है या मौत तक पहुंचने की यात्रा है हम उसे जीवन कहते हैं ये भुलावा है कि हम उसे जीवन कहते हैं हम तो मृत्यु की यात्रा कर रहे हैं इस जन्म से लेकर मरण तक के बीच का जो समय है उसे लोग जीवन कहते हैं ये जीवन नहीं अच्छे कर्मों के करने का समय है और मरण तक पहुंचने का रास्ता है इसमें साथ कौन निभाता है आपका शरीर गलता कौन है आपका शरीर जन्मता कौन है आपका शरीर मरता कौन है आपका शरीर शरीर तो मरण धर्मा है इसे गलना है और जो आत्मा शाश्वत हमारे साथ जुड़ी रहती है क्या हमारी दृष्टि कभी उसकी ओर जाती है हम भूल जाते हैं इस यौवन पर इस तन की सुंदरता पर कि मुझे तो ऐसी जवानी मिली है और ऐसा रूप सौंदर्य मिला है मुग्ध हो जाते हैं अपनी जवानी पर अपने सौंदे पर वो भूल जाते हैं कि मैंने जन्म क्यों लिया है मेरा एक कर्तव्य अपने शरीर के प्रति है तो वो कर्तव्य पूरा होने के बाद एक दायित्व तो मेरा आत्मा के प्रति भी है लौट पाते हैं पर दुनिया के पंचेंद्र के विषयों में ऐसे गाफिल होते हैं आत्मा तो दूर तक दिखाई देती ही नहीं है जो जीवन भर काय को काय के बारे में सोचता है वो तकलीफ पाता है जो मन को जीवन का आधार बनाता है वो मानसिक दुख पाता है और जो वचन के आधार पर जीता है वो पश्चाताप की अग्नि में जलता है ये मन वचन काय तीनों मिले हैं इनकी शुभ प्रवृत्ति इंसान को उत्थान के मार्ग पर लगा देती है और उनकी अनियंत्रित प्रवृत्ति इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ती है वासव दत्ता ने कहा भिक्षु तुम लौट जाओ अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है अब है क्या उसने कहा मैं आया हूं और सही समय पर आया हूं मैंने तुम्हें समझाया था कि काय के आधार पर मत जीना पर तुमने मेरी बात नहीं मानी वासव दत्ता बोली काश भिक्षु तुम रुक जाते तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें तुम्हारी बात मान लेता मान लेते तुम्हारी बात तुम मुझे संबोधन देते मैं न बहकती तब भिक्षु ने कहा वो समय उचित नहीं था तुम पर अपनी जवानी का वेग था और मैं भी जवान था तुमसे भी गलती होने की संभावना थी और मुझसे भी गलती होने की संभावना थी मैं इसीलिए आगे बढ़ गया जब मैं आगे बढ़ा तभी तो यहां तक पहुंचाऊं पर वासव दत्ता तुम भूल गई मैं तुम्हें संकेत देकर गया था कि काय का अभिमान छोड़ दो अपनी आत्मा को जगा लो कोई बात नहीं समय बीता समय ने अपना प्रभाव दिखाया मैं आया हूँ तुम्हारे चरणों की मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो मेरे चरणों में रहना चाहती थी मैं उपस्थित हूँ और भिक्षु उसकी सेवा करता है उसके घावों को पोसता है उसकी सेवा करके शहर में जाता है औषधि ले आता है उसे लेप लगाता है धीरे धीरे उसके घाव भरते हैं पर कहते हैं शरीर के घाव तो भर जाते हैं पर आयु का घाव कभी भरता नहीं वो तो ज़्यादा होती ही नहीं है भिक्षुष की सेवा करता रहा वो तन के घाव भरते रहे पर मन पे जो आघात पहुँचे थे और आत्मा का जो पतन हुआ था वो शरीर की जितनी आयु थी और शरीर ऊपर से तो ठीक हो गया पर आयु का जो घाव था वो नहीं भरा को सेवा करवाते करवाते वासव दत्ता अनंत में विलीन हो गई सबकी यही कहानी है कि जीवन भर काय को सजाते हैं काया अति सुंदर काया के मोह में जीते हैं मैं इतना सुंदर मेरा रूप इतना सुंदर एक सुंदरी संत के पास पहुंची और बोली कि कल आपने अपने प्रवचन में कहा था कि इंसान को अपनी काया पर अहंकार नहीं करना चाहिए पर मैं क्या करूं? मैं जब भी कांच के सामने खड़ी होती हूं और अपने रूप को देखती हूं, तो मेरे मन में अहंकार जाग जाता है मेरे मन में अहंकार जाग जाता है तो संत भी पहुंचे हुए थे उन्होंने कहा देवी गलत का कोई पाप नहीं लगता उन्होंने कहा देवी गलत फेमी का कोई पाप नहीं लगता सबकी यही तो स्थिति है हम बहुत सुंदर हैं रूपवान हैं स्वस्थ हैं आप गलत फेमी में जी रहे हैं यह शरीर व्याधि का मंदिर है कहते हैं इस शरीर में साढ़े तीन करोड़ रोम छिद्र हैं कितने साढ़े तीन करोड़ रोम छिद्र हैं और इस शरीर में कितने रोग हो सकते हैं तो कहा गया पांच करोड़ अड़सठ लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ चौरासी मतलब एक छिद्र में पौने दो रोग हो सकते हैं यह शरीर इतना छिद्र से बना है वो इतने रोग इसमें होने की क्षमता है विद्यमान है फिर भी अभिमान करते हैं अरे अब तो अपनी आत्मा को जगाएं शरीर के स्तर से उठकर अपने मन के स्तर पर आएँ मन को स्वस्थ करें और मन को स्वस्थ करके आत्मा के स्तर तक पहुंच जाए यही तो संत कहते हैं पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया माया का प्रपंच तो बड़ा जोरदार है किसे नहीं पता आज के आपाधापी के युग में इंसान कहाँ भाग रहा है सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर फिर सुबह तक वो माया के पीछे ही तो भागता चला जा रहा है वो माया का दीवाना है पहले के समय में लोग कहते थे ये बड़ा आदमी है बड़े आदमी की पहचान कैसे होती थी जिसके जीवन में सज्जनता होती थी ईमानदारी होती थी जो नेक नियत के साथ अपना जीवन जीते था वो ईमानदार कहलाता था और आज के युग में आप बड़ा किसे कहते हैं जिसके पास जितनी बड़ी संपदा वो उतना बड़ा आदमी क्या भौतिक संपत्ति से या धन को इकट्ठा कर लेने से ही अगर इंसान सुखी होता तो दुनिया के जितने बड़े अमीर उद्योगपति लोग हैं वो दुनिया में सबसे सुखी कहलाते और हम जैसे साधु लोग आकिंचन धर्म मानने वाले हमारे पास तो कुछ है ही नहीं दुनिया के सबसे दुखी लोग तो शायद हम ही माने जाते अपने मन पर हाथ रख के पूछिए क्या हम आप लोगों को दुखी दिखते हैं दुखी दिख रहे हैं आप लोगों को नहीं ना तो फिर सुखी कौन है जिसके पास सब कुछ है वो सुखी है या जिसके पास कुछ नहीं है जिसने त्याग दिया वो सुखी है सुखी तो वही है जिसने धन को त्याग दिया महाराज बिना धन के काम भी तो नहीं चलता जरा बताइए आप धन को बुरा कहते हैं क्या धन के बिना काम चलता है संत कहते हैं कौन कहता है धन के बिना काम नहीं चलता चलता है पर धन के प्रति अगर आसक्ति हो तो तुम्हें कहाँ ले जाएगी संपत्ति हो धन हो वैभव हो पर तो उसके प्रति आसक्ता इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए जब आसक्ति गहरी होगी तो माया चारों ओर से घेर लेगी आज विश्व के ऊपर अगर नज़र डालते हैं तो चारों ओर युद्ध के बादल मंडराते दिखाई देते हैं संभावना होती है मीडिया हमसे कहता है संभावनाएँ है, युद्ध हो सकता है ये किसकी चाल है क्या कोई देश किसी देश से लड़ना चाहता है ये सारा खेल उद्योग जगत का है एक आर्टिकल मेरे पढ़ने में आया था उसमें स्पष्ट लेखक ने लिखा था कि युद्ध को पैदा किया जाता है युद्ध के संभावनाओं को पैदा किया जाता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है उसने लिखा था अपनी लाइनों में कि युद्ध को पैदा करने के पीछे जो कंपनियाँ या जो देश शस्त्र का निर्माण करते हैं जो हथियारों के सबसे बड़े निर्यातक हैं वो अपने मार्केट की तलाश में दूसरे देशों को आपस में लड़ा के व संभावना पैदा करना चाहते हैं सोचिए उससे पैसा कमाने की ललक से इंसान का नैतिक स्तर कहाँ तक गिर गया कि वो दो देश को लड़ाकर पैसा कमाना चाहते हैं क्या ये मानवता है इंसान की लालसा लिपसा कितनी ऊपर तक पहुँच गई कि वो मानव को मानव समझ के एक मशीन समझता है अब मानव की कीमत ने बची कागज़ के टुकड़ों की कीमत है तुम्हारे समाज में या राष्ट्र में कोई सज्जन इंसान होगा ईमानदार इंसान होगा वो कितना सुखी होगा और जो माला माल होगा वो कितना सुखी होगा तुम तो यही कहोगे महाराज जिसके पास पैसा है वो सुखी है ईमानदारी और सज्जनता की क्या वैल्यू है क्या वो वास्तव में सुखी है जो इंसान अपनी आजीविका चलाने के लिए जितना धन चाहिए उतना कमाता है चैन की नींद तो वही सोता है और जो जिनके पास अपार संपत्ति है पेटी भर गई गोदाम भर गए अब तो खाए भरने की तैयारी है अब तो खाए भरने की तैयारी है क्या उन्हें कभी चैन से नींद आ सकती है माया बड़ी ठकनी है इंसान को ऐसे लुभाती है ऐसे उलझाती है कि कभी उसका पीछा वो छोड़ता ही नहीं है एक घटना अपने जीवन की सत्य बताता हूँ मैं आप लोगों को हम लोग सम्मे शिखर जी में थे मई का महीना था लगभग छः साढ़े छः बजे होंगे शाम के मैं श्री जी के दर्शन करने के लिए बाहर निकला तो देखा एक स्वीपर झाड़ू काट रहा था एक स्वीपर रोड की झाड़ू काट रहा था इतने में ही एक गाड़ी निकली उस पर डीजे के साउंड बंद होते हैं कोई शादी का माहौल हो गया शादी के लिए गाड़ी वो गाड़ी निकली उस पर डीजे बंधे हुए थे कोई उसी भोजपुरी भाषा में तुरी भाषा में गाना बज रहा था मेरे देखते देखते स्वीपर ने झाड़ू फेंकी और जैसे गाड़ी पास आई उसने झाड़ू फेंके जो नाचा है वो अपनी मस्ती में जेठ की गर्मी और शाम के साढ़े छः बजे धूप सूख सूर्य कितना गर्म होता है उसने तो झाड़ू फेंक दे तरफ और जोरदार नाचा मेरा वहाँ से निकलना हुआ मेरे मन में हर्ष हुआ मन इंसान परिस्थिति कुछ भी हो अगर मन स्वस्थ रहे तो इंसान कहीं भी आनंद ले सकता है मैं मंदिर चले गया जब दर्शन करके लौटा जैसे क्षेत्र में, में मेरा प्रवेश हुआ तो इनोवा गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी जिसको मैंने जाते समय भी देखा था उसके मालिक को मैं जानता था गर्मी बहुत थी और गाड़ी चारों तरफ से पैक थी तो बनी सी बात है एसी ऑन होगा उस गाड़ी का एसी ऑन था और उसका मालिक एसी चला के अपना कर्म पकड़ गाड़ी में ऐसा बैठा हुआ था ऐसे बैठा हुआ था दुनिया के दो दृश्यों का एक साथ दर्शन हो गया कि वो स्वीपर जिसके जीवन में कुछ है ही नहीं आज कमाता है और आज ही खाता है वो थोड़ा सा निमित्त मिला खुशी मनाने का झूम उठा और जम के नाचा और ये सेठ ये सेठ इन्हों में बैठा है और माँ पे हाथ देके बैठा है किसका जीवन सुखी है माया बड़ी ठगनी है जिसके पास है क्या वो सुखी है और जिसके पास नहीं है क्या वो दुखी है एक सेठ ने अपनी सेठानी से कहा कि क्या बात है आपकी आपको मैं इतना अच्छा भोजन बना के खिलाती हूँ नौकर चाकर आप कितनी सेवा करते हैं घर में सब सुविधाएं फिर आप दुबले हुए जा रहे हैं सेठ ने कहा सेठानी तू क्या समझेगी फिर सेठानी बोली कि अपने पास में एक मजदूर रहता है देखो वो दिन का दो रुपया कमा के लाता है कितना हष्ट पुष्ट है वो तुम इतना खाते हो फिर भी दुबले हो रहे होगा सेठानी तू तो नहीं समझेगी कि समझाइए बोले ये, ये निन्यानवे का फेर है ये निन्यानवे का फेर है सेठानी तू तो नहीं समझेगी बात आई गई हो गई एक दिन सेठ ने मौका देख के अपनी थैली में निन्यानवे सूखके रखे गेंद के कितने निन्यानु सिक्के गिन कर रखे और धीरे से उस मजदूर के आंगन में गिरा दिए जैसे अशरफी की आवाज़ हुई रात का समय था उसकी नींद खुली अरे धन की थैली गिरी है वाह प्रभु बड़ी कृपा की वाह प्रभु बड़ी कृपा की रात को अपनी पत्नी का उठ क्या सोती है देख प्रभु ने कृपा की हमारे ऊपर थैली खोली एक दो तीन चार गिनते 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 कहाँ तक पहुँचा जितनी उसमें थी निन्यानु तक तो पहुँचा अफसोस और एक कम पड़ गया इसमें एक इसमें कम पड़ गया है निन्यानु है सौ पूरे नहीं है दूसरा दिन हुआ मजदूर अपनी मजदूरी पे निकला और शाम तक दो रुपये कमा के लाया दो रुपये कमा के जैसे घर पहुँचा पत्नी के हाथ में एक रुपये रखा और एक रुपये अपने पास रखा पत्नी ने कहा एक रुपये में कैसे भोजन बनेगा न तुम्हारा पेट भरेगा न मेरा पेट भरेगा न तुम्हारा पेट भरेगा न मेरा पेट भरेगा मजदूर ने कहा आज मेरा उपवास है मेरा मूड नहीं है उसने एक रुपया जो बचाया था वो कहाँ डाल दिया अपनी थैली में अब निन्यानों का फेर शुरू हो गया अब मजदूर का रोज ही काम कभी भूख लगती तो खा लेता और भूखता दो रुपये खर्चा होता दो पति पत्नी के बीच में वो पुणे दो रुपये खर्च करता और पच्चीस पैसा नियम से उसमें डालता महीना भर बीता एक दिन मौका देख के सेठ ने बुलाया सेठानी जरा इधर आना बोले उसको देख रही हो बोले हाँ यही तो मजदूर है वो बोले उसको हुलिया देखो कि स्वामी ये तो बहुत दुबला हो गया बीमार था ये ना इसे कोई बीमारी नहीं थी ना इससे कोई बीमारी थी ही नहीं फिर क्या हुआ सेठानी को उसने पूरा किस्सा सुनाया और कहा अंत में ये निन्यानु का फेर है जो निन्यानु के फेर में पड़ गया उसका यही हाल होना है सब निन्यानु के फेर में लगे हैं पर सच बताना आप समाज में रहते हैं हम तो आकिंचन लोग हैं हमारे समाज में तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है त्याग की वैल्यू है आपके समाज में तो पैसे की वैल्यू है क्या बिना पैसे कोई पूछता है बिना पैसे कोई पूछता है संपत्ति ना हो तो अपने भी मुंह फेर लेते हैं कोई पलट के देखता भी नहीं है बिना पैसे के काम नहीं चलता आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे कि जिस साधु के पास दो कोड़ी हो जिस साधु के पास दो कोड़ी हो वो दो कोड़ी का नहीं है और जिस श्रावक के पास दो कोड़ी नहीं हो वो भी दो कोड़ी का नहीं है जीवन में अर्थोपार्जन तो करना चाहिए पर अर्थोपार्जन करके अपने जीवन को उसमें झोंक ही नहीं देना चाहिए जितनी आवश्यकता हो साई इतना दीजिए तामे कुटुंब कुटुम्ब मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए इतना ही तो कमाना है संत यही तो कहते हैं कमाओ कमाना चाहिए जीवन कैसे जियोगे पर तलाश कितनी है? साई इतना दीजिए साई मेरी मर्जी उतना दीजिए जा में खाई भर जाए साई इतना दीजिए ताई खा, में खाई भर जाए वो तो दुनिया में सबसे बड़ी मेरी पहचान बन जाए मैं सबसे बड़ा आदमी हूं इतना मत कमाइए आप जितनी संपत्ति का संग्रह करते हैं उसका कितना प्रतिशत भोग करते हैं कभी आपने अपने अनुपात निकाला है एक पुरुष जब कमाने निकलता है वो कमाने की दौड़ में सबसे आगे निकल कर जाना चाहता है वो अपनी संपत्ति का कितना भोग करता है मात्र एक या दो प्रतिशत वो जिनके लिए कमाता है उनको मिल जाती है और अपने हिस्से में क्या बांध के ले आता है उसके द्वारा किया गया पाप आरंभ सारम्भ तो होता ही है कहते हैं लक्ष्मी पुण्य की दासी है लक्ष्मी पुण्य की दासी है पर बिना पाप करे वो पास में नहीं आती है लक्ष्मी पुण्य की दासी है पर बिना पाप करे पास में नहीं आती है जितना कम पाप करेंगे उतना जीवन हमारा सुंदर बनेगा पर लक्ष्मी को एकत्र करने की चाह में इंसान ना दिन देखता है ना रात देखता है जीवन भर उसी की दौड़ में लगा रहता है आपके पास पैसा है लोग आपको पूछते हैं मान लो संपत्ति ना हो तो आपका क्या होगा कोई पूछेगा आपको कोई नहीं पूछेगा कहते हैं एक सेठ के एक बेटा बेटी थे माँ पिता और बेटा बेटी चार लोगों का परिवार था दुर्भाग्य से माँ छोटी उम्र में चल बसी बच्चे छोटे थे पिता ने बेटा बेटी का पालन किया थोड़े बड़े हुए पिता चल बसे सेठ के पास धन की कमी नहीं थी बड़े भाई ने अपने ज़िम्मेदारी निभाई और बहन का लालन पालन अच्छे से किया उसे अच्छे से रखा बहन भाई में बड़ा प्रेम था जब शादी का अवसर आया तो भाई ने बहन से कहा कि तेरी शादी करना है वो तो अपने भाई को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी कि भैया मेरे पीछे किसके साथ अकेले रहेंगे इनका कौन भाई ने समझाया कि समाज का ही विधान है वो तुम्हें मानना होगा अच्छा योग्य वर देख के संपन्न घर देख के भाई ने बहन का रिश्ता पक्का कर दिया उसकी शादी हुई बहन विदा हुई इधर भाई ने भी शादी कर ली पर कहते हैं समय किसी का एक जैसा नहीं होता जिसके पास आज माया है कल चले जाएगी और आज जिसके पास नहीं है कल उसके पास आ जाएगी लक्ष्मी तो बड़ी चंचल होती है एक घटना एक सेठ एक बार लक्ष्मी और दरिद्री में बहस हो गई लक्ष्मी बोली मैं बड़ी सुंदर तो दरिद्री बोली मैं बड़ी सुंदर अब फैसला कौन करे अब फैसला कौन करे तो लक्ष्मी बोली कि देवलोक में चल मनुष्य लोक में चलो माँ जिंदा जिंदा तो सेठ रहता है वह बड़ा ईमानदार आदमी है वो जो फैसला करेगा हम दोनों को मंजूर होगा दोनों जिंदा सेठ के घर पहुंची और अपना निवेदन किया कि हम दोनों में बहस हुई है कि कौन सुंदर है लक्ष्मी सुंदर है या दरिद्र सुंदर है आपको फैसला करना है पर एक बात ध्यान रखना ना आप ये मत कहना दोनों सुंदर हैं फैसला किसी एक हक में होगा दरिद्री बोली अगर आपने ये कहा कि लक्ष्मी सुंदर है लक्ष्मी सुंदर है तो मैं आपके घर में रह जाऊंगी लक्ष्मी सुंदर है तो दरिद्री बोली मैं आपके घर में रह जाऊंगी। वो दरिद्री बोली कि आपने ये कहा दरिद्र सुंदर है तो लक्ष्मी बोली कि मैं आपके घर से चली जाऊंगी। सेठ तो बड़ा संकट में फंस गया एक को मनाए तो दूसरा उड़ जाए अब क्या करा जाए पर सेठ भी सेठ था चतुर था कि दोनों एक काम करो ये मेरे घर के उस आंगन में खंबा लगाए ना जाओ उसको छू के आओ दोनों चली साथ, साथ में उस खम्भे को छूने के लिए खंबे को छू के बोले वापस आ जाओ दोनों वापस आ गई दोनों गई एक साथ खंबे को छूने के लिए वह खंबे को छुआ और वापस छू के सेठ के पास लौट आई अब सेठ एकदम चुप दोनों बोले सेठ जी फैसला कीजिए कि कौन सुंदर है तो सेठ ने बड़े गंभीरतापूर्वक फैसला किया कि लक्ष्मी और दरिद्री सुनो जब दरिद्री जाती है तो जाते हुए वो सुंदर लगती है और लक्ष्मी तुम जब आती हो तो आते हो वो सुंदर लगती हो दोनों का फैसला कर दिया फैसला हो गया गरीबी जाते हुए अच्छी लगती है और लक्ष्मी आते हुए अच्छी लगती है अब उस भाई ने अपनी बहन की शादी की अपनी शादी की पर लक्ष्मी स्थाई तो होती नहीं है जैसे बहन विदा हुई अपनी शादी की और जैसा समय आया कि वो दरिद्र हो गया ऐसी गरीबी आई कि दिहाड़ी मजदूर से करना पड़ती थी दिन उसकी पत्नी बोली कि यहाँ रहकर तो लगता है हमारी गरीबी दूर होने वाली नहीं है तुम अन्यत्र जाओ और पुरुषार्थ करो सर लक्ष्मी जो रूठी हमसे है वापिस से मान जाए पति को पत्नी की बात जची और परदेश व्यापार करने गया घर से निकला तो जिस रास्ते से उसे गुजरना था रास्ते में बहन का घर पड़ता था माया बड़ी ठगनी है रास्ते में उसकी बहन का घर पड़ता था सोचा बहन से मिलता चलूं। बहन के घर के दरवाजे पहुंचा और दास से बोला कहो कि मैं आया हूं। उसका भाई जैसे ही बोला द्वार दास ऊपर पहुंचा कि आपके भाई आए हैं बहन ने ऊपर से देखा तो भाई का जो हुलिया था शरीर उसका काला पड़ गया था आंखों में गड्ढे पड़ गए थे कपड़े फटे हुए थे शरीर पूरा मेला था और गरीबी करन, के कारण भूख के कारण उसकी पीठ और पेट एक हुए थे बहन ने देखा ये मेरा भाई ये मेरे घर में आएगा तो ससुराल वाले क्या बोलेंगे इसका भाई ऐसा फटे हाल है इसको आज ही आना था ये कह सकता था उसका मित्र आया हूँ भाई क्यों बोला है उसने दास को आदेश दिया ये मेरा भाई नहीं है ये मेरे पिहर का है ये मेरे पिहर का है गांव के सभी भाई होते हैं ऐसा भाई बन के आया है जाओ उसे अस्तबल में ठहरा दो जाओ उसे अस्तबल में ठहरा दो भाई ने पूरी बात सुन ली सुनने के बाद वो नौकर के पीछे पीछे जाकर अस्तबल में ठहर गया कुछ समय बीता भाई ने बहन ने भाई के लिए भोजन बेचा भोजन में क्या था रूखी सूखी रोटी बासी सब्जी और खट्टा मट्ठा भाई पहले छुदाई तो कि मेरी बहन ऐसा करती है उसने भोजन तो नहीं हाथ में लिया और दास से बोला तुम जाओ मैं खा लूँगा उस भाई ने वहीं गड्ढा खोदा और सारा भोजन उस गड्ढे में डाल दिया वो गरीब था पर स्वाभिमान से रहित नहीं था उसका स्वाभिमान था उसके पास वो बिना बोले वहाँ से चल दिया नगर में पहुँचा किस्मत ने साथ दिया उसने बहुधा संपत्ति कमाई सोना चांदी हीरा मोती मणि माणिक रथ सेनापति सब से मिल गए उसको संपत्ति इकट्ठी कर ली जब पर्याप्त धन हुआ तो उसे याद आए मेरी पत्नी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी चलो घर को लौटता हूँ रास्ता वही था जहाँ से वो गया था जैसे बहन का गांव आया उसने गांव के बाहर उद्यान में अपना पड़ाव डाला पूरा अपना मजमा जमा लिया और खबर भेजी दास के साथ कि अब मेरी बहन के घर जाओ और कहना कि तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार उद्यान में कर रहा है जैसे बहन ने सुना कि मेरा भाई अब तो भाई का जन्म हो गया पहले भाई मर चुका था माया बड़ी ठगनी है दौड़ी सेवक के साथ कि मेरे भैया उद्यान में ठहरे जाकर भैया को देखा लिपट गई भैया आप यहाँ कर रुके मेरे महल में चलिए भाई भी होशियार था कि बहन बैठना रथ में अभी चलते हैं दोनों भाई बहन घर पे पहुंचे रथ से बहन उतरी और भाई भी उतरा भाई जैसे उतरा उसने रास्ता लिया कहाँ का अस्तबल की तरफ का तो बहन का भैया कहाँ जा रहे हो बोले मेरा स्थान तो अस्तबल में मेरा स्थान तो अस्तबल में वहीं तो ठहरा था मैं कि भैया कैसी बात करते ऊपर चलो माँ सोने के पलंग पे विश्राम करना कि नहीं मेरा स्थान अस्तबल पे ही है जब भाई नहीं माना तो बहन रसोई बनाने चली गई और भाई अस्तबल में बैठ गया थोड़ी देर के भाई बाद बहन बड़े सोने के थाल में पूरा भोजन सजा के लाई छप्पन पकवान उसमें थे वो भैया के सामने रख दिए भाई ने अपने सेवकों को इशारा किया कि जाओ ज़रा लेके आओ तो सेवक एक थाल में सोना चांदी हीरा मोती मणि माणिक्य सब ला के भोजन की थाल के आसपास उन्होंने उसको सजा दिया वो भाई हाथ जोड़कर बैठ गए कि हे भोजन हे सोना चांदी अब तुम भोजन करो हे सोना चांदी अब तुम भोजन करो बहन ने कहा मेरा भाई पागल तो नहीं हो गया कि भैया तुम कैसी बात करते हो क्या सोना चांदी भोजन करते हैं ये तो निर्जीव है ये कैसे भोजन करेंगे तो भाई ने बोला बहन ये भोजन करे चाहे नहीं करे मुझे तो इतना पता है कि भोजन इन्हीं के माध्यम से होता है भो, बहन भोजन तो इन्हीं के माध्यम से होता है भाई बहन की आंखों में आंसू आ गए भाई बोला बहन मैं तो पहले भी आया था तेरे द्वार पर तो तूने क्या कहा था कि ये तो मेरा पीहर का है मेरा भाई नहीं भाई का मित्र है सेवक है मैं तब भी तेरा भाई था पिछली बार भी जब मैं आया था तो तूने मुझे भोजन कराया था तूने भोजन में क्या भेजा था बासी रोटी ऐसा ही है जब तक संपत्ति है सब पूछते हैं और संपत्ति जब चले जाती है तो कोई नहीं पूछता अपने स्वाभिमान को हमेशा बचाए रखना अगर वो चला गया तो माया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी ये माया है जिसके पीछे पड़ जाती है उसका तो ब्रांड लेकर ही छोड़ती है मैं इतना बड़ा पैसे वाला हूँ इतनी संपत्ति है जब मरेगा तो दोनों हाथ खाली हाथ जाएगा तेरे साथ कुछ जाने वाला है अगर कमाया है अपनी संपत्ति को तो भोग कर जा नीतिकार कहते हैं संपत्ति का पहला उपयोग भोग दूसरा दान और तीसरा तो अपने आप होता है उसे कहते हैं नाश संपत्ति कमाई है भोग कर लो दान कर लो नाश तो से होना ही है भाई ने बहन को शिक्षा दी और अपने सेवकों से कहा संपत्ति उठाओ और लौट चलो क्या रिश्ते यही होते हैं आज दुनिया की हकीकत यही है जेब में पैसा हो दुनिया पीछे पीछे घूमती है पैसा हो तो लल्लू जी भी लाला जी है हो रोकड़ा तो परने डोकरा कहते हैं ना कि हो रोकड़ा तो परने डोकरा ये माया है तो पुजनी कौन होता है जो माया का त्याग करते हैं वो पूजनी है जो माया का संग्रह करते हैं वो पूजनी है पूजनी तो वही है जिसने माया का त्याग कर दिया ध्यान रखना माया बड़ी ठगनी है समय की सीमा सात सुखों की बात करना थी अभी मात्र कितने सुख हुए हैं दो पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया फिर इस पर चर्चा करेंगे आने वाले सोमवार पे तब तक के लिए विश्राम अपने दोनों हाथों को जोड़िए और तो मंगल भावना पड़ेंगे मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो कहीं भी हो मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो नहीं वैर अभिमान हो मन में शोभ कभी नहीं हो नहीं वैर अभिमान हो मन में सो कभी नहीं हो मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगल में हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्जवल होय मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्जवल होय राग द्वेष और मोह मिट जाए आतम निर्मल होय राग तेस और मोह मिट जाए आतम निर्मल होय प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का छे हो प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल, मैं हो।, हर हर दिन मंगल मैं हो मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगल में हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो, मंगल, हो, मंगल, मंगल हो गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म मय हो राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो मंगल मंगल हो जगत में सब मंगल में हो किस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो इस धरती का कण कण पावन ओ मंगल में हो मंगल, मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगल में हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो सब जग में मंगल बड़े तले अमंगल बा आवे ना, सब में हो सदभा बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महा मुनिराज की जय 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 मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय